कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की तरफ से धमकी मिल रही है। इसके बाद पप्पू यादव ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब उनके दावों और सुरक्षा वाली मांग पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है। बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं, अब सिक्योरिटी मांग लो। एक फैशन हो गया है किसी बड़े आदमी का नाम लो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान ऐसे मौके पर आया जब अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बाहुबली निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर 13 अक्टूबर को एक पोस्ट किया था। लॉरेंस बिश्नोई को 2% का अपराधी बताते हुए लिखा था कि अगर कानून की अनुमति मिल जाए तो 24 घंटे के भीतर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म कर दूंगा। उसके बाद से ही बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकियां दी जा रही हैं। इस विवाद के बीच अब कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने इस बयान से किनारा कर लिया है। मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में, और अभी पिछले डेढ़ दो सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं, और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। असल में पप्पू यादव लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। पहले तो उन्होंने लॉरेंस को हड़काने की बात कही, फिर लॉरेंस को लेकर सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों के बीच झल्लाते नजर आए और अब पहचानने से इनकार करते हुए कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। अभी मैं अपने फिर मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को, आपको क्यों आप लोगों को मिर्ची चढ़ी हुई है किसी दादा नाना के भाई, और मैं किसी व्यक्ति विशेष को जानता ही नहीं हूँ और ना जानना पसंद करता हूँ। और अब एक सवाल कि क्या ये मुमकिन है कि 5 साल में किसी की भी उम्र 7 साल तक बढ़ जाए। आमतौर पर ऐसा भले ही ना हो लेकिन राजनीति में ऐसा हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनकी उम्र को लेकर बीजेपी कुछ ऐसा ही दावा कर रही है। 2019 और 2024 में दाखिल किए गए हेमंत सोरेन के चुनावी हलफनामे पर गौर कीजिए। 2019 के चुनावी हलफनामे में हेमंत सोरेन की उम्र 42 साल है, जबकि 5 साल बाद 2024 में दाखिल हलफनामे में हेमंत सोरेन की उम्र 49 साल लिखी गई है, यानी 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ गई। अब इन दोनों एफिडेविट का हवाला देते हुए बीजेपी सवाल पूछ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को देखना चाहिए, अगर कुछ उन्होंने गड़बड़ रखा है तो उसको ठीक करना चाहिए उसका, और कानून के तहत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी किस पाठशाला में 5 साल में उसकी उम्र 2 वर्ष अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, मैं चुनाव आयोग को ये संज्ञान में देना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही, उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बचाव में जुटा है। कोई एफिडेविट दिया जाता है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, मार्कशीट होता है 10वीं का, वो अटैच है और उसमें अंकित है कि हेमंत सोरेन जी की उम्र 49 ईयर्स है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये तो बता रहे हैं कि 2024 के हलफनामे में डॉक्यूमेंट के आधार पर उम्र दर्ज की गई है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि 2019 में हेमंत सोरेन के हलफनामे में उम्र 42 साल कैसे दर्ज है। सवाल ये भी कि जब मुख्यमंत्री के ही 2 दस्तावेज सही नहीं है तो जरा सोचिए कि जनता का हाल क्या होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।